सो टेक फैमिली, आज हम बात करेंगे लाइक स्मार्टफोन्स की। तो अगर आपका बजट 30,000 है, इसी प्राइस रेंज की बात करेंगे। आज मैं आपको टॉप 5 स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि आप 30,000 के प्राइस रेंज में ले सकते हो। प्लस वीडियो के एंड में मैं कंक्लूजन बताता हूँ कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। कोई भी कैटेगरीज आपकी है, हर एक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आज मैं आपको स्मार्टफोन बताऊँगा। तो बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 की बात करूँ, नंबर 5 पर यार मैंने रखा है कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन, या फिर अगर आपको एक स्लिम एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए तो भाई आप जा सकते हो वीवो V20 के। और अगर मैं इस स्मार्टफोन की बात करूँ तो सबसे पहले भी मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपको सितंबर 2020 मॉडल देखने को मिल जाता है 6.44 इंच के साथ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ एंड्रॉयड 11 मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 765 देखने को मिल जाता है जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो भाई अगर आपने गेमिंग वगैरह भी करनी है आप इस स्मार्टफोन पे कर सकोगे। सिर्फ एक विंड में स्मार्टफोन देखने को मिलता है 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ, ठीक है। ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, 4K वीडियो ऑप्शन मिल जाता है, 30 FPS पर आप कर सकोगे। प्लस आपको डुअल सेल्फी देखने को मिल जाती है 44 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल, सेल्फी में भी आपको 4K वीडियो ऑप्शन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट प्लस फेस अनलॉक वगैरह सब कुछ मिल जाता है, 4000mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस आपको 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। एंड ये स्मार्टफोन 3 कलर्स में देखने को मिलते हैं, वीवो V20 को तीनों ही कलर बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया वीवो V20 के। तो भाई अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है आप जा सकते हो। दो कैटेगरीज के बंदों के लिए ये स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है। लाइक अगर आपको एक स्लिम एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए आपके लिए बेस्ट होगा, एंड यार अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आपको 7.39mm की थिकनेस देखने को मिलती है, स्लिम स्मार्टफोन है। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको आई ऑटो फोकस देखने को मिल जाता है, वीडियो स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है एंड आपको डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाती है। और भी स्पेसिफिकेशन बहुत है, मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा बिकॉज वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए, स्लिम स्मार्टफोन चाहिए, एक बार आप चेक आउट जरूर करना वीवो V20 को, आपको पसंद आने वाला है। अभी आगे बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 की बात करूँ, नंबर 4 पे यार मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी A52 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, ये स्मार्टफोन 3 कलर्स में देखने को मिलता है, 2 विंड में स्मार्टफोन ये देखने को मिल जाता है। प्लस भाई अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, वाटरप्रूफ स्मार्टफोन चाहिए, आपके लिए बेस्ट डील होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A52। अगर मैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बातों को, मार्च 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है 6.5 इंच के साथ आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाता है। चिपसेट की बात कर लेते तो आपको स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाता है जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। 3 से 4 वेरिएंट में स्मार्टफोन देखने को मिलता है, प्लस आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, 4K वीडियो ऑप्शन भी मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल के साथ आपको प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल के साथ आपको अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल के साथ आपको मैक्रो कैमरा मिल जाता है, प्लस 5 मेगापिक्सल के साथ आपको डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, सेल्फी में भी आपको 4K वीडियो ऑप्शन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट प्लस फेस अनलॉक वगैरह सब कुछ मिल जाता है, 4500mAh की बैटरी मिल जाती है, 25W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। प्लस मैं आपको पहले भी बता दिया कि ये 3 कलर्स में देखने को मिलता है, तीनों कलर स्मार्टफोन को बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी A52 को, यार ये भी 2 से 3 कैटेगरीज के बंदों के लिए बेस्ट होने वाला है। सबसे पहले अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए आप जा सकते हो सैमसंग गैलेक्सी A52 की ओर। प्लस अगर आपको एक वाटरप्रूफ स्मार्टफोन चाहिए या फिर अगर आपको कैमरा तगड़ा चाहिए, आप 3 कैटेगरीज के बंदे सैमसंग गैलेक्सी A52 की ओर जा सकते हो। कलर वगैरह सच में बहुत प्यारे देखने को मिलते हैं। एंड अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया था इस स्मार्टफोन को, आप चेकआउट कर लेना, बाइंग लिंक मैंने इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। अभी ज़्यादा समय खराब नहीं करते, बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूँ, नंबर 3 पर यार मैंने रखा है Realme X50 Pro को। तो यार अगर आपको हार्ड कोर गेमिंग करनी है आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। प्लस भाई अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए आप भी इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। प्लस भाई अगर आप Realme लवर हो इस स्मार्टफोन को आप चेकआउट जरूर करना। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, आपको 4K 2020 मॉडल देखने को मिल जाता है 6.44 इंच के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाता है, चिपसेट की बात करते हैं आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है जो कि बहुत तगड़ा प्रोसेसर है, 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। ये स्मार्टफोन 4 वेरिएंट में देखने को मिलता है जो कि
आपको 6GB रैम के साथ, 8GB रैम के साथ एंड 12GB रैम के साथ देखने को मिलेंगे। लेकिन जो अपने प्राइस रेंज में सेट बैठेगा 12GB प्लस 256GB आपको वीड देखने को मिल जाता है। प्लस भाई अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है इस स्मार्टफोन पे आप नॉर्मली इजीली कर सकते हो। आपको क्वाड कैमरा मिल जाता है 64 मेगापिक्सल के साथ, 4K वीडियो ऑप्शन भी मिल जाता है, 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल आपको डुअल सेल्फी मिल जाती है। लेकिन सेल्फी में आपको 4K ऑप्शन नहीं मिलता, फिंगरप्रिंट प्लस फेस अनलॉक वगैरह सब कुछ मिल जाता है। 4200mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 65W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है जो कि 100% आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर देती है सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट्स में। दो कलर्स में देखने को मिलता है, ग्रीन कलर में एंड रेड कलर में, जो कलर आपको सही लगता है आप उसके और जा सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Realme X50 Pro के। अभी बात करते हैं कि ये स्मार्टफोन किन लोगों को लेना चाहिए। तो भाई अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है प्लस भाई अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। 12GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मिल जाता है, थोड़ी सी बैटरी कम है लेकिन आपको 65W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है जो कि आपके स्मार्टफोन को 30-35 मिनट में फुल चार्ज कर देती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है यार, माइनस पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वो Realme की ओर जाना है, Realme X50 Pro की ओर जाना है, इसका भी जो बाइंग लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने चाकूड करना है आप चाकूड भी कर सकते हो, जैसे करना चाहते हो आप कर सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की। नंबर टू की बात करूं, नंबर टू पे यार मैंने रखा है Redmi की ओर से स्मार्टफोन। तो भाई अगर आप Redmi लवर हो आप जा सकते हो MI 11X की ओर। इसमें एक माइनस पॉइंट है, एक नहीं दो माइनस पॉइंट है जो कि मैं आपको वीडियो में बता देता हूं। सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, अप्रैल 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है। प्लस आपको 6.67 इंच के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोडक्शन के साथ देखने को मिलती है। तो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा सही है। जितने भी मैंने आपको स्मार्टफोन बताए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा डिस्प्ले इस स्मार्टफोन की बेस्ट होने वाली है, बिकॉज 120 रिफ्रेश रेट के साथ मिलती है, वो भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ठीक है। अगर आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 मिल जाता है। चिपसेट की बात करूँ आपको स्नैपड्रैगन 870 देखने को मिल जाता है जो कि 7nm टेक्नोलॉजी के साथ भेजा, प्रोसेसर बहुत तगड़ा होने वाला है। दो वेरिएंट में स्मार्टफोन मिलता है 6GB रैम के साथ 8GB रैम के साथ, दोनों में आपको स्टोरेज वेरिएंट सेम देखने को मिलते हैं। अभी माइनस पॉइंट की बात करूँ आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं देखने को मिलता, आप स्टोरेज को अपग्रेड नहीं कर सकते जो कि एक माइनस पॉइंट है। एंड आपको 3.5mm जैक भी स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिलता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 48MP प्लस 8MP प्लस 5MP, 4K वीडियो ऑप्शन भी मिल जाता है, 20MP के साथ सेल्फी मिल जाती है लेकिन सेल्फी में आपको 4K ऑप्शन नहीं मिलता, फिंगरप्रिंट प्लस फेस अनलॉक वगैरह सब कुछ मिल जाता है, 4520mAh की बैटरी मिल जाती है, 33W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। एंड ये स्मार्टफोन तीन कलर्स में देखने को मिलता है, सिल्वर कलर में, व्हाइट कलर में एंड ब्लैक कलर में। तो भाई मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दिए MI 11X के। तो भाई अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है आप जा सकते हो, लेकिन इसके दो माइनस पॉइंट है कि आप स्टोरेज को अपग्रेड नहीं कर सकते, 3.5mm जैक आपको इस स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिलता, दो माइनस पॉइंट है। अगर आपको इनसे मैटर नहीं करता, 128GB स्टोरेज आपके लिए बहुत है, 3.5mm जैक के साथ आपको फर्क नहीं पड़ता, आप जा सकते हो इस स्मार्टफोन की ओर अगर आप रेडमी लवर हो। बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अभी बात करते हैं कि ये स्मार्टफोन किन लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। यार अगर आपने गेमिंग करनी है आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। स्नैपड्रैगन 870 देखने को मिल जाता है। कोई भी आपने हैवी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहते हो अपने स्मार्टफोन में, ईजिली नॉर्मली कर सकोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्लस अगर आप मूवीज़ वगैरह देखने के ज़्यादा शौकीन हो आपका एक्सपीरियंस भी बेस्ट होने वाला, बिकॉज इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा सही है। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ। नंबर वन पे यार मैंने रखा है Realme X7 Max को। तो सबसे पहले भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आपको मई 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने जाना है इस स्मार्टफोन की ओर आप जा सकते हो, आपको 5G स्मार्टफोन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ आपको 6.43 इंच के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। डिस्प्ले क्वालिटी इसकी भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अगर आप मूवीज़ वगैरह देखने के ज़्यादा शौकीन हो आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है। इसमें आपको MediaTek की ओर से प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, MediaTek Dimensity 1200 देखने को मिलेगा जो कि 6nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है।
तो भाई अगर आपने कोई भी गेमिंग करनी है, हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो, गेमिंग करने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, आपके लिए बेस्ट डील होने वाली है। दो वेरिएंट में स्मार्टफोन मिलता है 8GB रैम के साथ एंड 12GB रैम के साथ। जो अपने प्राइस रेंज में सेट बैठेगा वो 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वेरियंट देखने को मिल जाता है। ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 64MP के साथ, 4K वीडियो ऑप्शन भी मिल जाता है, प्लस 16MP की आपको सेल्फी मिल जाती है। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तीन कलर्स में देखने को मिलता है रियलमी X7 मैक्स प्लस आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है। 50W की आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया रियलमी X7 मैक्स के। अभी बात करते हैं कि ये स्मार्टफोन किन लोगों को लेना चाहिए। तो भाई अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है, आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए, नया स्मार्टफोन चाहिए, 5G स्मार्टफोन की ओर जाना चाहते हो, रियलमी लवर हो, आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। तो यार अभी मैंने आपको टॉप 5 स्मार्टफोन बता दिए, दो बता दिए कैमरे के अकॉर्डिंग। लाइक अगर आपको कैमरा बेस्ट चाहिए ना, तो वीवो V20 एंड सैमसंग गैलेक्सी A52 आपके लिए बेस्ट डील होने वाली है। अगर आपको गेमिंग करनी है MI 11X की ओर जा सकते हो, रियलमी X50 Pro की ओर जा सकते हो, रियलमी X7 मैक्स की ओर जा सकते हो। ये तीन जो स्मार्टफोन है गेमिंग के लिए बेस्ट है। दो स्मार्टफोन अगर आपको स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, कैमरा बेटर चाहिए, आप उन स्मार्टफोन्स की ओर जा सकते हो। तो यार टॉप 5 बता दिए, कंक्लूजन भी बता दिया, तो अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।